डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। राहुल गांधी को लगातार मीडिया व सोशल मीडिया पर निशाना बनाए जाने के बाद कांग्रेस ने अब तीखे तेवर दिखाए हैं। कांग्रेस ने जहां इसे लेकर गंभीर टिप्पणी करते हुए चेतावनी दी है, वहीं आज जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन को गिरफ्तार करने छत्तीसगढ़ की पुलिस गाजियाबाद पहुंच गई। यहां दोनों राज्यों की पुलिस एक बार फिर से आमने सामने आ गई। दरअसल रोहित रंजन ने वायनाड की घटना के संदर्भ में दिए गए राहुल गांधी के बयान को उदयपुर कांड के हत्यारों से जोड़ते हुए यह दिखाने की कोशिश की थी कि राहुल गांधी हत्यारों को बच्चा बता रहे हैं। कांग्रेस के तेवर देख जी न्यूज ने खेद व्यक्त करते हुए माफी भी मांग ली है। कांग्रेस सरकार के राज्यों में रोहित के खिलाफ कई रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। आइए पहले दिखाते हैं वह वीडियो जिसमें जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन राहुल गांधी को लपेटते हुए नजर आ रहे हैं। आज इस कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक चौंकाने वाला बयान दिया, यानी राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वो वाकई हैरान करने वाला है, क्योंकि उन्होंने उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों को बच्चा बताते हुए ये कहा कि वो उनसे नाराज नहीं है और वो इस घटना के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। इतनी बेरहमी और क्रूरता से कन्हैया लाल का कत्ल कर दिया जाता है, और अब अगर राहुल गांधी ये कहें कि वो बच्चे हैं और इसके लिए जिम्मेदार मोदी सरकार को ठहरा दिया जाए, तो सोचिए शह कहां से मिलती है। कांग्रेस की बेहद तीखी व आक्रामक प्रतिक्रिया सामने आने पर जी न्यूज ने माफी मांगते हुए यह खेद व्यक्त किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कल अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में अपने उस कार्यालय का दौरा किया जहां तोड़फोड़ हुई थी। दौरे के बाद राहुल गांधी ने कहा कि हिंसा से किसी समस्या का समाधान नहीं निकल सकता। घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि जो तोड़फोड़ में शामिल थे वो हमारे लिए बच्चों के समान ही है। ये खबर कल हमारे कार्यक्रम DNA में गलत संदर्भ में प्रसारित हो गई थी, जिसका हमें खेद है। बीते दिवस कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने मीडिया के समक्ष इस पर यह कहते हुए नाराजगी जाहिर की। राहुल गांधी होना आसान नहीं है। एक 8 साल का लड़का जब अपने घर वापस आया था ना, तो अपनी दादी को आतंकियों की गोली से छलनी देखा था। एक नौजवान जब वापस आया इस देश में, तो उसको अपने पिता के शरीर के अंग नहीं मिल रहे थे, उन्होंने आतंकियों का सामना किया है। आपकी हिम्मत कैसे होती है एक झूठा वीडियो ट्वीट करने के लिए। अब आज का घटनाक्रम। रोहित रंजन के गाजियाबाद स्थित घर के बाहर छत्तीसगढ़ व UP पुलिस के बीच रस्साकशी जारी है। रोहित रंजन ने ट्वीट कर UP CM योगी आदित्यनाथ, SSP गाजियाबाद और ADG जॉन लखनऊ से मदद मांगी है। रोहित का कहना है कि छत्तीसगढ़ पुलिस उन्हें अरेस्ट करने के लिए खड़ी है, क्या यह कानूनन सही है? इस पर गाजियाबाद पुलिस ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि प्रकरण स्थानीय पुलिस के संज्ञान में है, थाना इंद्रापुरम पुलिस मौके पर है, नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस खबर पर बनी रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए FirstBite.tv। नमस्कार।